ये है चिकन, इसको पकड़ के ले चलो। अरे वाह क्या नज़ारा है, जन्नत पहुंच गए हैं भाई लोग, जन्नत। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज है अपना माइक टेस्टिंग। तो लास्ट ब्लॉग में हम लोग ने टेस्ट किया था तो बहुत ही बेकार साउंड आया था। ये आवाज़ तो प्रॉब्लम हो चुकी है, माइक के बारे में चिंता कर लीजिए। तो इसलिए सोच रहे हैं कि इस बार नया सेटअप के साथ, नया मोबाइल के साथ फिर से टेस्ट करें, तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यह है मोमेंट ऑफ ट्रुथ, पता नहीं माइक का साउंड कैसा कर रहा है और फुटेज कैसा दिख रहा है, क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज कर दिया है। वैसे अभी हम लोग एक लोकेशन पे जाएंगे, बहुत ही मस्त लोकेशन है आप लोग को दिखाने के लिए। ये पूरा गांव एरिया है और मतलब पूरा ग्रीन है, हर तरफ हरियाली है। और वैसे मैं बता दूं, मैं बाइक ज़्यादा स्पीड नहीं चलाता हूँ, मैक्सिमम 60, उससे ज़्यादा स्पीड तो मैं चलाता ही नहीं हूँ। अभी ये जो एरिया है ये स्टार्ट होता है चाय बागान का एरिया, तो ये बहुत 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 बड़ा चाय बागान है। अभी सनसेट भी होने वाला है थोड़ा देर के बाद। इस तरफ भी बागान है, इस तरफ भी बागान है और बीच में रास्ता है। वैसे ये जो रास्ता है इसमें अगर आप सीधा निकलते जाएंगे तो फिर वो एशिया का, जो मेरे ख्याल से एशिया का सबसे जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। भूपेन इसका नाम, बोगीबिल ब्रिज। तो ये देखिए सनसेट हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखना दिखना तो चाहिए। तो जो पत्ते हैं ना उसमें सन का, जो सूरज का रोशनी गिरने के बाद रिफ्लेक्शन आता है, बहुत ही मस्त लगता है ये देखने के लिए। एक्चुअली ये मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन देखना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि आके यहाँ पे जो नेचुरल जो दिखता है, क्योंकि कैमरा जो है ना वो सब कुछ कैद नहीं कर सकता है। मतलब अभी जैसे कि ये पत्तों में जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कैमरा में उतना सुंदर दिख रहा होगा जितना मतलब अभी मुझे हकीकत में दिखाई दे रहा है। मैं असम को प्रमोट करना चाहता हूँ कि लोग आए यहाँ पे, असम का जो नेचुरल ब्यूटी है ये देखें उन लोग, देखने के बाद फिर यहाँ का टूरिज्म बढ़े। कभी आप लोग सब आइए असम घूमने के लिए, बहुत ही आसान है, सीधा गुवाहाटी तक फ्लाइट है, नहीं तो एक और जगह है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ तक सीधा फ्लाइट आता है दिल्ली से या फिर साउथ से, मेरे ख्याल से वाया कोलकाता होके आएगा। तो आप लोग आ सकते हैं। अरे वाह क्या जगह है, मैं रोज़ देखता हूँ लेकिन फिर भी रोज़ देखने के बावजूद सुकून मिलता है, बहुत ही अजीब सा सुकून मिलता है हरियालियों के बीच में। ये रहा बोगीबिल 11 किलोमीटर्स। तो बोगीबिल वो ब्रिज है जहाँ पे, जो सबसे लंबा ब्रिज है, अगर अभी टाइम मिलेगा तो हम लोग सीधा बोगीबिल ही पहुँचते हैं। तो मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा देता हूँ, अभी 40 के आसपास जा रहा हूँ। देखिए चाय बागान, ये है
जामीरा टी स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट है, आप देख ही रहे हैं इतना बड़ा टी स्टेट है। अरे वाह क्या नज़ारा है, ऊपर क्लाउड्स देखिए, फिर नीचे बागान देखिए, आ हा हा हा, जन्नत जन्नत पहुंच गए हैं भाई लोग, जन्नत, मज़ा आ रहा है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ऊपर ऊपर ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग, ये रहा, हम लोग इसको आसामी में बोगोली बोलते हैं। क्या नज़ारा है, बोगीबिल 10 किलोमीटर। तो भाई लोग ये सब जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये नया पेड़ उगाया जा रहा है पूरा लाइन से, मतलब बहुत सारे होंगे यहाँ पे। तो ये मछली पकड़ा जा रहा है, ये जो आप लोग को दिख रहा है वहाँ पे हरियाली वगैरह जो है, उसके ठीक पीछे ब्रह्मपुत्र रिवर है। ब्रह्मपुत्र तो आप लोग को पता ही होगा, सबसे माइटी रिवर बोला जाता है, तो इसका नाम ही है द माइटी ब्रह्मपुत्र। तो खैर जो भी है, ये धान का खेत आप लोग को दिखाना तो भूल ही गया। ये देखिए पूरा धान का खेत है, ये राइस। हम लोग के यहाँ पे ऐसा भी नज़ारा दिखाई देता है, देखिए কি হয়েছে তো, হ্যাঁ মনসা পূজা। ये देखिए खेती, कितना सुंदर, इसको अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, हर तरफ सेज है, बीच में ये ब्राइट कलर दिख रहा है आपको। ये सब नज़ारा मतलब एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन हाँ कोई अगर आर्टिस्ट है तो उन लोग को समझ में आ जाएगा। ये है चिकन, इसको पकड़ के ले चलो, यहाँ पर मछली पकड़ा जाएगा, अभी हम इसको थोड़ा देखेंगे। पूरा जाल खुल जाता है, की मास है वो पुठी मास ना, क्या सीन है दोस्तों। ये नज़ारा देखिए क्या मस्त है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, ये सीनरी देखिए कितना मस्त है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।